हेलो। हाँ, मैं मुख्तार मिस्त्री रावेर नागजीरी मोहल्ले से बोल रहा हूँ कि भाई ये ईंट का भाव अभी 4,500-5,000 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं। साल पे का 3,000 का भाव था और इतने पैसे की महंगाई हो गई, बेरोजगारी है और उसमें गवर्नमेंट ने कोई प्रशासन देन लेन नहीं करता है और ये ईंट लाना मिट्टी लाना बहुत महंगी जाती है। ईंट के भाव अभी इतने हो गए, 5,000 के हिसाब से बेचना चालू है तो इस हिसाब से लोगों ने काम बंद कर दिए। ना रेती मिल रही है ना ईंट मिल रही है, ईंट के रेट भाव इतने टाइट हो गए कि जिसका नाम नहीं। और फिर कुछ लोग भट्टे वाले बताते हैं कि भाई अभी पानी गिरा, किसकी 50,000 ईंट हमने बनाए, 50,000 ईंट का नुकसान हो गया। ये कुछ खंगरी निकल जाती है, ऐसे ये नुकसान होते रहते हैं। साल पे कोयले का भाव क्या था और आज क्या है, तो कम से कम गवर्नमेंट ने ये चीज़ों को ख्याल रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ों के तरफ ख्याल करने होना और इसके रेट भाव पे कुछ मालूमात देके कम जास्ती करने को होना। तो हमारे काम धंधे तो यूं भी ऐसे ये 2014 पास से बिल्कुल नरेंद्र मोदी आए तब पास से तो पूरे काम धंधे ठप हो गए। अभी आज फिलहाल में सीमेंट की थैली असारी के रेट भाव 6,500-7,000 रुपए हो गए, कोयले का भाव 7,000-8,000-10,000 रुपए टन हो गया। ये ईंट भट्टे वाले भी इस कारण ईंट सस्ती बेच नहीं पा रहे और फिर सब परेशानी, बरसात आ जाती तो पूरा माल भीग जाता है, गिर जाता। अभी ये देखो बीच में हमारा ये 3-4 दिन पहले माल कम से कम 50,000 ईंट खराब हुई पानी से और फिर ये चीज़ें पूर्ति भी नहीं है ऐसी, अगर ऐसा कुछ रेट भाव हुआ तो इसके कारण जो भी करना है शासन